आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होना। हमारा बचपन का सपना कर दिया पूरा। बच्चे बच्चे मिलने रहे। फाइनली गाइस इतनी मार हो रही है और हम हो गए लेट। जल्दी जल्दी हम वहाँ पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं क्या सीन है। ईद की मार पड़ लिया और अब हम मिलते हैं आप। देखो माय गॉड, तो फाइनली गाइस ईद की मार हमने पड़ ली है और अब हम जा रहे हैं बाहर और बाहर जाकर हम सबको मिलते हैं ईद। और आप सबको भी हम दोनों की तरफ से ईद की मार। अच्छा अभी मजा आएगा ना भिड़ो सबको। अपना भाई ईद मिलन लगी है मेनू ए खलोना पै रहे हैं। मैं करने लगे थे अभी देखे अपने गांव की दुबारे। अरे ये तो धोती खोल रहा है। कसम कसम उठाते नहाए नहीं ना। पब्लिक को पता होना चाहिए कि आप कैसे हो। मैं नहीं, आप में झूठ। पब्लिक को आपने बताना है कि मैं कैसे का हूँ क्योंकि आपको पता है। और ये जो मोबाइल पकड़ा है ये गेस करे कौन सा है। ठीक है, आपने ये कमेंट में बताना है कौन से मोबाइल से वीडियो शूट हो। कौन से लेकिन एक सेकंड कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये। यार हम इधर आए थे तो ये भाई के पास हमने देखा आईफोन है रेड कलर का 11 वो भी। तो हम इनसे अब पूछते हैं कि ये हमारी फोटो खींचेंगे अपने आईफोन में कि नहीं। अच्छा हाँ जी, खींचेंगे हमारी फोटो एक अपने आईफोन में भाई। हाँ हाँ सी भाई बताओ यार, खींच दो यार फोटो। खींच दे यार, मेरा बचपन का शौक है मैं भी आईफोन में फोटो खिंचाऊं। तो आप तो कौन आईफोन खड़े हैं। कॉपी है यार, कॉपी है ना, ये कॉपी है यार, कॉपी से ज्यादा अच्छी आती है आजकल। वैसे भी कॉपी शार्ट है मार्केट में। तो इन्होंने तो इनकार कर दिया हमें। गजब बेइज्जती है यार, आपकी शक्ल नहीं है आईफोन वाली। तो गाइस हम जाने लगे थे और ये भाई हमें मिले हैं, इनके हाथ में भी आईफोन है। हम अब इनसे गुजारिश करते हैं कि हमारा एक छोटा सा सपना है बचपन का कि आईफोन में फोटो खिंचानी है। आओ भाई खींच देते हैं आपके। खींच देते हैं यार, यकीन करें दिल खुश किया, अब गले मिलना पड़ा। ईद मुबारक, ईद मुबारक, यकीन करो यार बचपन का सपना पूरा होने लगा है। अब भाई ने हमारा बचपन का सपना कर दिया पूरा और आज दिल गार्डन गार्डन हो गया। बचपन का सपना पूरा हो गया और इस बात पे मैं आज अपने दोस्त सीप को पिलाऊंगा स्टिंग। रुको जरा, अब हम इसे ये पूछते हैं कि जो ये ईद है ये आप एंजॉय कर रहे हैं या बैड ही है। नॉर्मल सी जा रही है, नॉर्मल सी जा रही है। बच्चे बच्चे मिलने रहे जिसके साथ हैप्पी हैप्पी हो गए हम। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना। जी जी जी, आंखें देखो नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। ओ, ये तो बहुत अच्छा। तो 29 रोजे होने चाहिए थे कि 30 ही। ये तुम्हारा पूछना वैसे बनता नहीं, तुम तो है तो जा लो। कितने भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह सारे रखे, माशाल्लाह सारे भाई ने रोजे रखे। जैसा कि आपको बताया था कि हमारे बचपन का सपना पूरा हुआ और आज हम पिएंगे बोतल और साथ में इनको भी पिलाएंगे और इन भाई से पूछ लेते हैं अगर ये भी पिला देते हैं। गजब बेइज्जती है, बोतल पी लेते हैं। ओके करें, मजा आया। और अब हम जा रहे हैं कोई नई जगह आपके लिए व्लॉग बनाने के लिए। देखा कि घोड़े लगे हुए हैं यानी कि खड़े हुए हैं तो हमने कहा इनके साथ भी फोटो खिंचवा लेते हैं। और साथ भी कह रहा था कि हाँ यार मौका है तो खिंचवा लेते हैं फोटो। लेकिन एक सेकंड
घुड़सवारी हम कर रहे हैं, भाग ना छेड़ो मेरी भाग फाड़ लेनी जी रब ने। हम कर रहे हैं घुड़सवारी, काफी मजा आ रहा है, फुल टाइम इंजॉय हो रही है, ये देख सकते हैं आप, काफी प्यारा जानवर है, सही बात है। अच्छा गाइस मजा तो आया आया है, मगर गर्मी के साथ बुरा हाल हो गया, अब हम बाहर जाने लगे हैं, यानी कि घर जाने लगे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है रात को भी हम नहीं सोए हैं, कटिंग वगैरह कराने लग गए थे और दो तीन काम थे वो करने लग गए थे, तो इसी वजह से हम सो नहीं सके, और अब हम जाके सोते हैं थोड़ी देर, तो फिर बाद में आपको मिलते हैं। ओके अब हम उठे हैं, यानी कि मैं ही हसीब जो है वो तो सो गया, क्योंकि वो सारा दिन ही था सोया, और अब वो जाके घर सो गया, और मैं अकेला ही हूँ, अब मैं उठा था तो मेरा दिल कर रहा कि कोई पिज्ज़ा लगवाया वो लेने जा रहा हूँ, तो मैं शामा के पास पिज़्ज़ा लेने तो कॉल कर दी थी, मगर अभी तक पिज़्ज़ा नहीं लगा है, तो पिज़्ज़ा भी लग रहा है, भाई शामा से हम पूछते हैं कि कितनी देर है, भाई शामा कितनी देर है, पैक हो रहा है, और जैसे ही पैक होता है हम लेते हैं और आपको दिखाते हैं, पिज़्ज़ा आ गया ये देख सकते हैं, पिज़्ज़े की भी पैकिंग चल रही है, डब्बा पैक कर रहे हैं 0 मीटर से। यार उस टेबल पे दो पिज़्ज़ा लगा ना। पिज़्ज़ा हमने ले लिया, ये देख सकते हैं आप, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और आपको दिखाते हैं, ये लेकर जाना काफी मुश्किल है क्योंकि चॉपर भी नहीं है इनके पास इतना बड़ा, और माया भी अकेला हूं, सीट नहीं है साथ में, देखते हैं आप, और निकल जाता है, यहां मुश्किल है मेरे लिए, चॉपर भी नहीं था मेरे पास, तो इसे लाना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो हम मगर ले आए हैं, अब देखें क्या बनता है, और अब हम घर जाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या सीन आ गया। भाई सामा लव यू हो गया, साड़ी लेके पाते ने, पैसे पूरे करते ने, ऐसा नहीं भाई सामा ने, आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पर एंड, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करना, और हाँ जो करना है वो ये है कि आपने हमें कमेंट में लाजमी बताना है कि जो सी चीज आपको इस वीडियो में पसंद नहीं आई ताकि हम उसे अवॉइड कर सकें। ओके अल्लाह हाफिज़।